मेरी बात और सुन लो, हम कोई भी एक आदमी शिकायत करता पंजियों इनके खिलाफ एसपी से लेके आईजी से लेके और सारे पुलिस वाला के खिलाफ मुकदमा हम दर्ज करवाएंगे। इस्तीफा सदन शहर के वकीलों की तरफ से आप लोगों के बीच में आए हैं। जैसे ही हमारे को पता चला कि लाठीचार्ज हो गए, हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को चोटें लगी है, हमारे दसियों वकील आप लोगों के पास आए हैं कि आप अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं है, हम भैसार के सारे वकील आपके साथ है। दूसरी बात, मैं पुलिस के भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि देखिए कि सरकार आनी जानी चीज है, किसान, जनता और पुलिस ने उड़े रहना है। आपने नौकरी करना और हमने मुंह करना है, सरकार आनी जानी है, इसलिए सरकार की चमची मारने की कोशिश ना करना। किसान भाइयों के साथ जो रहे हो, दूसरी बात, हम सरकार ने न्यू करना चाहते हैं कि खट्टर साहब आपने रूल बनाया 11 लोग होंगे किसी भी कार्यक्रम में, कान मुकान ब्याह शादी दाग पे भी 11 तो फालतू आदमी नहीं हो सकते। ठीक बात, आप जो आज की आप फोटो देखोगे स्टेज के ऊपर 19 लोग हैं स्टेज के ऊपर, वो किसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा वो आप पुलिस वाले भाई ये बताएं कि 11 तो फालतू मुकदमा दर्ज हुआ, मारपो भी कर दियो पर उन पे कर दियो पहले जो 19 थे स्टेज पे। दूसरी बात, आज कोरोना में बच्चे बूढ़े हमारे भाई हमारे से छोटे बड़े हर रोज खबर आ रही है चले गए, आज कोई खुशी का माहौल है क्या? और ऐसे माहौल में उद्घाटन कर रहे हैं, क्या का उद्घाटन होता? अगर ये उद्घाटन नहीं होता तो 2 दिन पहले हॉस्पिटल चालू हो जाता। इस उद्घाटन के चक्कर में आज 2 दिन लेट करा है, 2 भाइयों की जान बच जाती इस उद्घाटन के चक्कर में लेट करा। हमने लिखा फेसबुक पे कि खट्टर साहब उद्घाटन करना है तो 500 बेड का परमानेंट हॉस्पिटल बनाओ हिसार में, ना केवल हिसार में हरियाणा के हर जिले में बनाओ, फिर उद्घाटन करिए हम भी आपके गल्ला आवांगे। ये टेम्परेरी 6 महीने वाला खतरे उद्घाटन करोगे तुम। दूसरी बात, मौका है कि ये आज गिरफ्तार कर लिए किसान भाई,